नमः ॐ नम्बोकराय नमः ॐ शूर्मकर्णाय नमः हाय हेलो नमस्ते नमस्कार शश्री का वनकम एंड योर विद नम्रता इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के लिए ये वाला महाराष्ट्रीय मेकअप लुक सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट एस टी टी डी तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ आपके पास जो भी अगर आप फेशियल ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं विटामिन सी का सीरम आता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या फेस मिस्ट आता है या एलोवेरा जेल है आपके पास जो भी है आप मेकअप करने से पहले अपने स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप ज़रूर करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्किन को प्रेप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे मॉइस्चराइज हाइड्रेट नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो एकदम अच्छे से नहीं होने वाला है आपका जो फाउंडेशन है वो फटने लगेगा केकी पैची ये सारी प्रॉब्लम आएगी तो स्किन को प्रेप जरूर करें उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर और ये ब्लर प्राइमर है काफ़ी अच्छा है लाइक मतलब काफ़ी स्मूथ कर देता है स्किन को बिग पोस्ट को भी यू you नो know, फिल कर देता है तो ये काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है तो आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ फ़ाउंडेशन मिलानी कंसीलर प्लस परफेक्ट टू इन वन फाउंडेशन जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ये एज इट इज़ वर्क करता है क्योंकि ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मुझे कंसीलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे थोड़ा सा है डार्क सर्कल बट मेरा बहुत ज़्यादा इंटेंस वाला डार्क सर्कल नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो डेफिनेटली आपको कलर करेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन मेरे जितना है मीडियम है तो आप डेफिनेटली इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं डायरेक्टली करेक्टर कलर करेक्टर या कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं कवर कर देता है एज़ यू कैन सी इन द वीडियो और मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा वैट करके अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से डैप डैप मोशन में इसे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को जिससे कि ये अच्छे तरीके से इवेनली पूरे मेरे फेस पे अप्लाई हो जाए और आप भी फाउंडेशन इसी तरीके से लगाएं बिकॉज इस तरीके से आपका फाउंडेशन जो है कीकी -की पैची कहीं पे भी बिल्कुल नहीं रहेगा नेक्स्ट में यहाँ पे अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ यहाँ पे मैंने मिस क्लियर का लिया है आईब्रो पेंसिल ये थोड़ा सा ब्राउन शेड में है बट मेरा जो शेड है आईब्रो का वो थोड़ा सा ब्लैक में है बट स्टिल ब्राउन शेड भी मैं लगाती हूँ तो चल जाता है नेक्स्ट में यहाँ पे मेरा आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ अब आई मेकअप में मैंने जो मेरा कलर है साड़ी का वो है ब्लू में तो मैंने डार्क ब्लू वी शेप में मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे मेरे आई के जैसे कि आपने देखा और सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर पे ही रखूँगी बिकॉज ये डार्क कलर है दैट्स वाई और डार्क कलर आप श्योर करें आउटर कॉर्नर पे करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आता है आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगता है प्लस आपका जो आई है वो बड़ा भी दिखता है उसके बाद यहाँ पे मेरे ब्लू के साथ सारा गोल्डन कलर का है वर्क तो मैं यहाँ पे गोल्डन आईलेड पे अप्लाई कर दे रही हूँ बहुत ही सिंपल आई मेकअप मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे आपका आई मेकअप आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है तो आफ्टर दैट मैं सेम हल्का सा सेम आई शेडो नीचे अपने वाटर लाइन के पास अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा सा अपने आई को आई को बिग दिखाने के लिए वाइट काजल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आफ्टर दैट ऑफकोर्स एज यूजल मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर मैं आई लाइनर कभी भी स्किप नहीं करती बट बहुत लोग हैं जिनको आई लाइनर पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं बट जो आई मेकअप मैंने किया है इसमें आप आई लाइनर अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप आई लाइनर विंग आई लाइनर क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉन्टोर स्टिक लिया है मैंने और मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे बहुत ही अच्छा आपका फेस ना शेप में आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने ये चेक बोन जो है वहाँ पर अप्लाई कर लिया है उसके बाद जॉ लाइन अगर थिन आपको दिखाना है यू you नो know, मेरे भी डबल चिन है तो आ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये हाइड कर देता है कि इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपका जो फेस है वो काफ़ी स्लिम है तो आप चिक बोन के पास जॉ लाइन और अपने नोज़ को थिन दिखाने के लिए भी जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है आप उस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यू नो आपको एक फेस शेप मिल जाता है अगर आप कॉन्टोर करते हो तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ शुगर के पैलेट में से ही और सिल्वर कलर का है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है चिक बोन पे मेरे टॉप ऑफ दी नोज क्यूपिड बो और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा लिपस्टिक एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई मेकअप तो आप जो फाइनल है वो लुक है ये आई होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें कमेंट करके बताएं कैसा लगा वन सेकेंड आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड बी स्टाइल